नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, अगर आप अपने घर में कलर लगवाना चाह रहे हैं, मतलब पेंट करवाना चाह रहे हैं, तो कौन सा कलर का लगाएं जिससे क्या है कि देखने में अच्छा लगे। तो आज उसी के बारे में हम कुछ आपको आइडिया देंगे और आपको डायरेक्ट साइट लेके जाएंगे जहां पे आपको दिखाएंगे एक सिंपल सा कलर, ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, वो कलर आपको बताऊंगा और देखने में भी आपको बहुत ही लाजवाब दिखेगा। और बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप जब भी कुछ आप आइडिया देते हैं उसमें कुछ रेट भी बता दिया कीजिए कि भाई कितना रेट लगेगा। नॉर्मली क्या है कि अगर कलर की हम की रेट की बात करें तो डिफरेंट कंपनी की अलग अलग रेट का आता है, लेकिन अगर उसको जब आप लगवाइएगा तो हम लगवाने का रेट हम आपको बता देंगे, जिसमें अगर लगवाने की अगर हम रेट की बात करें तो लगवाने में क्या क्या जरूरत पड़ता है। पहले आप तो पुट्टी मारेंगे, दो कोट पुट्टी मारेंगे, फिर उसके ऊपर एक कोट प्राइमर मारेंगे, फिर इसके ऊपर दो कोट पेंट मारेंगे, ये मतलब टोटल पांच कोट हो गया। टोटल पांच कोट का अलग अलग जगह अलग अलग रेट है। कुछ लोग कहीं पे ये रेट आपका 8 रुपया पर स्क्वायर फीट से शुरू होकर के आपका 15 से 16 रुपया पर स्क्वायर फीट तक जाएगा। ये डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से और कैसा जो क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर कैसा है उसके हिसाब से भी ये डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका लगवाने का। और पेंट की रेट की बात करें तो उसको लेकर के मेरा वीडियो आपको बना हुआ है, अगर आप चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पेंट का अगर रेट जानना है तो डायरेक्ट इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, यानी तो मेरा आई बटन जो वहाँ चल रहा है उस पर देखने को मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो चलते हैं हम डायरेक्ट अब साइट और वहाँ देखते हैं कि भाई अगर हमको पेंट लगाना है घर में तो किस हिसाब से लगाए जिससे क्या कि देखने में सुंदर लगे। तो चलते, देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक वाल हो गया, ये मेरा हॉल का ये रूम का एक वाल है। इस रूम में देखिए कि हमेशा कोशिश ये कीजिए कि रूम में चार वाल है, चार वाल में से कम एक वाल को आप कुछ डिफरेंट कलर में कीजिए। जैसे कि ये देख रहे कि आपका जो है ये येलो पहला जो कलर जो दिया हुआ तीन वाल में येलो कलर का है, और एक वाल में जिसको जो है अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम दिया है, कुछ लोग मेज नाम दिया है, कुछ लोग जो है अलग लाइट येलो नाम देता है, और ये जो एक साइड में था आपका कौन सा लाइम ट्री ग्रीन जिसको कुछ लोग एप्पल ग्रीन भी बोलते हैं, एप्पल कलर भी बोलते हैं, इस चीज़ को लेकर के। तो ये हो गया आपका येलो बोल सकते हैं और ये हो गया आपका ग्रीन, एकदम पूरा लाइट ना ज़्यादा डार्क, क्योंकि देखिए डार्क देने से आप में डिमेरिट क्या होगा, क्योंकि डार्क देने से जब उसमें लाइट जब आप बल्ब जलाएंगे तो आपका रूम थोड़ा सा डार्क डार्क कर दिखेगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट भी तो वो वैसा ही कलर करेगा, लेकिन थोड़ा लाइट रहेगा लाइट कलर का रहेगा तो आपका रिफ्लेक्ट भी उसी तरह करेगा। ये हॉल हो गया, हॉल का भी आपका तीन वाल एक कलर का और एक वाल जो आप डिफरेंट कलर चूज कर सकते हैं, वही दो कलर कॉम्बिनेशन है। और इसका जैसे कि आपने देखा कि सीलिंग का कलर थोड़ा सा जो है ऊपर का डिजाइन में जो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये डिजाइन बना दिया गया प्लास्टर के समय ही, और उसमें रेड और वाइट कलर जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और किचन का भी सेम चीज़, तो यहाँ पे दो कलर कम्बिनेशन दिया हुआ है, तीन वाला आपका ये येलो और एक वाला आपका ग्रीन तक, और उसके हिसाब से आप कलर कॉम्बिनेशन, मैंने कलर कॉम्बिनेशन क्योंकि टाइल्स के हिसाब से, और ज़्यादातर केस में क्या होता है कि इसी कलर का जिस जो कलर आप देख रहे हैं रूम में ये कलर एकदम बहुत ही देखने में शानदार और झकास लगता है। नहीं तो बहुत लोग क्या करता है ज़बरदस्ती इतना डार्क कलर क्या करेगा किसी रूम में पूरा एकदम लाल कर देगा, किसी रूम में पूरा ग्रीन कर देगा, जो कि थोड़ा आँख पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जब लाइट आएगा रिफ्लेक्शन होगा आँख पे इफेक्ट पड़ेगा और थोड़ा सा सर भी घूमने लगता है। लेकिन आप जितना लाइट कलर यूज़ करेंगे जितना आप देख उतना आपके लिए आँख पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और आप जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे हैं टॉयलेट में तो ज़्यादातर जो है पूरा चारों साइड से टाइल्स ही लगा देते हैं, और लिंटल लेवल में छत अगर आप उसके ऊपर स्टोर बनाए हुए हैं तो ऊपर अगर छत दिए तब तो उसमें पेंट की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं सीलिंग में तो आप वाइट कलर दे ही रहे हैं। और इस तरह का हो गया, और उसी तरह सेम इसमें भी आपका सेम वही चीज़ है।
और इसका जैसे कि टाइल का टाइल हो गया और उसके ऊपर भी सेम वैसा ही सीलिंग व्हाइट दीजिए, सीलिंग कलर आपका व्हाइट होगा जो कि बहुत ही शानदार दिखेगा। और उसके बाद वॉल येलो बहुत ही शानदार दिखेगा। टाइल कम्बिनेशन भी आप चूज कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग हमेशा यही सोचता है कि भाई पेंट हो चाहे टाइल्स हो चाहे कोई भी मटेरियल में ज़्यादा पैसा खर्चा ना हो, क्योंकि अब अगर एक ही घर बनाने में पैसा ज़्यादा खर्चा कर दिया जाएगा तब तो फिर दिक्कत है। तो उसी हिसाब से जो है लोग सोच समझ के पैसा अपना लगाते हैं। और एक और चीज़ बता दूँ आपका कि कलर की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो चौखट जो डोर फ्रेम हो चाहे विंडो फ्रेम हो उसका कलर, जिस कलर का आपका प्लाई चाहे सनमाइका होता है उसी कलर का होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको फॉल्स सीलिंग का दिखा रहा हूँ, सीलिंग में चारों साइड से कैसे डिजाइन बनाया गया है, जो कि अगर एक बार ऊपर अगर रूम में बैठ कर देखेंगे तो थोड़ा देखने में सुंदर लगेगा, नहीं तो अगर चाहेंगे तो आप प्लेन भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। और हम यहाँ पर बात कर रहे थे और यहाँ चौखट की, तो चौखट जिस कलर का आपका डोर हो उसी कलर का आप लगा कलर दे सकते हैं, जिसको हम अगर बोले तो ब्राउन कलर। और यहाँ पे तो कलर अभी हुआ नहीं, काम चल ही रहा है, तो ब्राउन कलर का आप जो है दे सकते हैं। और उसी तरह से आप विंडो का भी सेम उसी तरह से आप विंडो का भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा देखने में लकड़ी लकड़ी से देखने में अच्छा लगे। और ग्रिल का आप थोड़ा चेंज कर दीजिए, थोड़ा व्हाइट भी रख सकते हैं और थोड़ा लाइट येलो भी रख सकते हैं तो अच्छा रहेगा, जिससे क्या कि थोड़ा सा देखने में आपको सुंदर दिखेगा। तो यही आपको कलर कम्बिनेशन बनाना, एक सिंपल सा यहाँ पे मैं एक आम आदमी के लिए जैसा घर होना चाहिए उस तरह मैं बताया। अब लग्जरी का तो यहाँ पे है नहीं, लग्जरी में तो अगर आप जितना पैसा अगर डालेंगे, अगर पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप जो है चूज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका एक कलर आइडिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल वाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उसको जब क्लिक करेंगे ना तो उसमें आएगा ऑल नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन पे टिक मार दीजिएगा। उससे क्या है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। और दूसरा चीज़ कि अगर आप मुझे कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं मेरी इस हार्ड मेहनत को लेकर के, आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको मेरे से बेनिफिट हुआ मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।